everyone i welcome you all to this uh, new class and today we are not going to discuss any poem or poetic device or anything that is related to the syllabus but i would like to share some tidbits some tips that i can uh, give you which will help you to gain more marks with less efforts to, um ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है बट आर ऑफ़ माई एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स विच विथ यू जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन में हेल्प करेंगे कि अगर आप कोई चीज़ स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ट्वेंटी फोर मार्क्स छोड़ने का ऑप्शन है चॉइस है तो अगर आप वो इंटेलिजेंटली लीव करते हैं आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए फाइन तो अगर हम पहला सेशन सेक्शन देखेंगे यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस है मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाई है तो ये ड्रॉप करने का कोई सवाल ही नहीं बनता बिकॉज हियर यू हैव बिन गिवन द स्टैंड और उसके नीचे जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इन्हीं स्टैंड में से क्वेश्चन का आंसर देखना है तो वाई वुड यू लीव इट बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी उसके बाद एक अनसीन पैसेज होगा एक सीन पैसेज होगा दोनों ही इजी हैं क्योंकि आंसर्स आपको इन्हीं पैसेजेस में मिलेंगे इज एन तो ये भी ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं सो so, पहला है मॉडल्स विच आर वेरी ईजी क्योंकि ऑप्शनस आपको वहीं से दिए गए हैं और uh, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो इट इज़ वेरी ईजी और जो एग्ज़ाम्स में भी द uh, ब्लैंक्स आते हैं वो भी ईजी होते हैं उनके आंसर्स जो हैं बहुत ऑब्वियस होते हैं तो यहाँ पे uh, ये आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं फिर अगर आर्टिकल है वो भी बहुत इजी आते हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं सो so, आप कंफ्यूज नहीं होंगे सो यू कैन नॉट लीव दिस क्वेश्चन एज़ वेल अब रिलेटिव क्लॉज बहुत ईजी है सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन से आपको आपको रिलेटिव प्रोनाउन्स यूज करके दो सेंटेंसेस को जोड़ना है जो कि आपने पढ़ा होगा आई कुड नॉट मेक वीडियो ऑन दिस बिकॉज अभी बहुत लेट हो गया है लेकिन यही रिलेटिव प्रोनाउन से आपको दो सेंटेंसेस जोड़ने हैं विच इज वेरी ईजी अगर पर्सन की बात हो रही है तो यू आर गोइंग टू यूज हु और इतना तो मैं आपको ये यू नो you know, ये आ, टिप बता सकती हूँ कि कहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है अगर पर्सन की बात हो रही है ठीक है तो आपको हु यूज़ करना है अगर थिंग की बात हो रही है तो आप विच या दैट यूज़ कर सकते हो दोनों में से कोई भी यूज़ करो वन एट द सेम थिंग यूजली दैट इज़ यूज फॉर प्लूरल एंड विच इज़ यूज फॉर सिंगुलर लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी यूज़ करोगे दैट विल बी गिवन एज़ करेक्ट उसके बाद अगर आप प्लेस की बात कर रहे हो तो आप वेयर यूज़ करोगे अगर आप टाइम की बात यूज़ टाइम की बात कर रहे हो आप वेन यूज़ करोगे ठीक है अगर आप पर्सन के बिलोंगिंग की बात कर रहे हो ठीक है आप हुज़ यूज़ कर सकते हो या फिर किसकी बात हो रही है ठीक है तो वहाँ पे हुम यूज़ कर सकते हो ठीक है ये तीन पर्सन के लिए यूज होता है विच या दैट थिंग के लिए वेयर प्लेस के लिए और टाइम के लिए वेन यही uh, यही रिलेटिव प्रोनाउंस आपको यूज़ करने हैं uh, किसके बाद एग्जैक्टली आफ्टर नाउन इमिडिएटली आफ्टर नाउन नाउन्स के बाद ही आपको ये यूज़ करने हैं जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में नाउन दिखेगा वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द पर्सन प्लेस थिंग या टाइम आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है फॉर एग्जाम्पल सिमरन है यहाँ पे सिमरन गेव अ डांस प्रोग्राम येस्टडे एंड इट्स बींग अप्रीशियटेड बाई एवरीबडी सिमरन सिमरन क्या है पर्सन है ना तो आप हु यूज करोगे सिमरन हु गेव अ डांस प्रोग्राम यस्ट इज बींग अप्रीशियेटेड बाई एवरीबडी एंड काटोगे और इट्स बी इज बींग अप्रीशियटेड बाई एवरीबडी और ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस होना चाहिए पर पेपर में वही से है तो यहाँ पे आप हु यूज करोगे यहाँ पर भी मिस्टर शाह uh, uh, तो well, uh, so, है नाउन प्लेस सॉरी पर्सन है तो हु ही यूज़ होगा मिस्टर शाह हु इज नॉट फीलिंग वेल कुड नॉट सो और ही कटेगा कुड नॉट गो टू ऑफिस ठीक है यहाँ पर भी सन वेरी इजी ये भी पर्सन है तो हु ही यूज़ करोगे जहाँ पर भी आपको नाउन दिखेगा रिलेटिव क्लॉज में यू आर गोइंग टू यूज रिलेटिव प्रो नाउन आफ्टर दैट नाउन तभी आप दो सेंटेंसेस को आराम से ज्वाइन कर पाओगे बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू इन रिलेटिव क्लॉज सो वाई वुड यू लीव इट ये बहुत ईजी है उसके बाद अगर आप डेक्ट इन जिनका ग्रामर थोड़ा वीक है अगर वो पंचुए यहाँ पे एडिटिंग में क्योंकि पंचुएशन मार्क्स यूज़ करनी है स्पेलिंग्स देखनी है टेंसेज देखना है वर्ब एंड ऑल तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप छोड़ते हो और पंचुएशन मार्क्स भी कितने मार्क्स हुए एट आपके पास चॉइस कितनी है ट्वेंटी फोर मार्क्स की ट्वेंटी फोर में से अगर आप एट मार्क्स स्किप कर भी देते हो तो आगे हम देखते हैं कि हम और क्या स्किप कर सकते हैं सेक्शन सी डू नॉट लीव एनीथिंग इन सेक्शन सी बिकॉज इट्स वेरी ईजी राइटिंग डायलॉग को खुद अपने हिसाब से कम्प्लीट करना है आपको जैसे समझ में आता है वैसे नोटिस राइटिंग में सिर्फ फॉर्मेट ही याद रखना है बाकी नोटिस तो वहीं से दिया गया होगा फॉर्मेट दो सेकंड में याद होता है इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है यू कैन यू कैन चेक दैट तो यू कैन नॉट लीव नोटिस राइटिंग मैसेज राइटिंग हो या जो भी ये राइटिंग स्किल वाला पार्ट है ये बहुत ईजी रहता है इसमें सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान देना है क्योंकि कॉन्टेंट आप लर्न नहीं कर सकते हो कॉन्टेंट आपको वहीं से दिया गया होगा अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेंट आपको वहाँ पे बॉडी ऑफ मैसेज लेटर या नोटिस लिखना है सो डू नॉट ट्राई टू लीव एनी थिंग फ्रॉम नोटिस राइटिंग उसके बाद सेक्शन डी अगेन यू हैव बिन गिवन अ स्टैंडा ओवर हियर और इसी स्टैंडा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया होगा विच इज़ वेरी ईजी जो कि पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड होगा या आपको कहा जाएगा कोई एक वर्ड्स एक्सप्लेन करो और पांच में से आपको तीन करने हैं तो विच इज़ वेरी ईजी आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें स्किप करने की ज़रूरत नहीं है अब जो यहाँ पे फिफ्टींथ uh, क्वेश्चन आता है विच इज ऑफ ट्वेल्व मार्क्स राइट ये आपका प्रो सेक्शन में से है किस में से प्रो सेक्शन में से तो अगर आप ये सेक्शन नहीं भी करते हो बिकॉज यू हैव एट चैप्टर्स इन दैट एंड सो मेनी क्वेश्चन देयर इन दो चैप्टर्स है ना तो अगर आप ये प्रोज नहीं भी करते हो इसके सिर्फ ट्वेल्व मार्क्स है और पीछे आपने कितने स्किप किए थे एट टोटल कितना हुआ ट्वेल्व सॉरी टोटल कितना हुआ ट्वेंटी सो so, 20 मार्क्स आप स्किप आराम से कर सकते हो यहाँ पे जब जहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने पड़ते हैं आप ये स्किप कर सकते हो आई एम नॉट कि स्किप करना ही करना है इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन स्किप इट बिकॉज यू हैव द चॉइस ऑफ ट्वेंटी फोर मार्क्स उसके बाद प्ले और शॉर्ट स्टोरीज़ जो है क्योंकि प्ले एक ही है तो एक प्ले करने पे यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन करना है लेकिन जो आपने पीछे देखा यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं चार क्वेश्चंस तो टाइम कंज्यूमिंग भी है लेकिन एक तो सिर्फ एक प्ले करने से आपके छः मार्क्स आ जाते हैं एंड यू हैव टू डू ओनली वन क्वेश्चन और प्ले में से जो क्वेश्चन uh, आता है यूजली वो थीम से ही रिलेटेड होता है या फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया नतालिया ही आता है बट इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर साइड लुमो एंड चुबुको का बी आप कर सकते हो फाइन तो इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर से अदरवाइज थीम और कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया ही एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है फाइन सो so एक प्ले करने से एक क्वेश्चन करना है इसमें आपको सिक्स मार्क्स मिल जाते हैं वेरन अगर आप प्रो सेक्शन करते हो एक तो फोर क्वेश्चन करने हैं और उसके सिर्फ ट्वेल्व ही मार्क्स है फाइन सो so ये वाला आप स्किप नहीं कर सकते हो देन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन जो कि शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड है यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन दिए जाते हैं बट यू हैव टू डू ओनली वन अगेन बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और सिर्फ छः ही चैप्टर्स हैं और शॉर्ट स्टोरीज में से भी आपको क्वेश्चन यूजली थीम से पूछे जाते हैं या फिर कैरेक्टर स्केच से पूछे जाते हैं बट यू के नॉट ओनली गो फॉर थीम्स एंड कैरेक्टर स्केच्स यू हैव टू डू ऑल द ट क्वेश्चन ठीक है um, आफ्टर दैट तो उसके भी सिक्स मार्क्स बनते हैं ठीक है एक क्वेश्चन करने पे आपको यहाँ भी सिक्स मार्क्स मिलते हैं और यहाँ भी सिक्स मार्क्स मिलते हैं सो शॉर्ट स्टोरी और प्ले मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी टू स्किप लेकिन जो प्रोज है येस यू कैन ईजिली स्किप इट क्योंकि प्रोज स्किप करने के बाद भी आपके पास चार मार्क्स बचते हैं क्योंकि ट्वेंटी फोर थे टोटल अगर आप डरेक्ट इनडिट एंड पंचुएशन वाला क्वेश्चन छोड़ भी देते हो उसके एट हैं और यहाँ पर ये ट्वेल्व मार्क्स स्किप करते हो इसके ट्वेल्व हैं तो टोटल तो आपने ट्वेंटी स्किप किया अभी तक स्टिल यू हैव द च्वइस ऑफ फोर मार्क्स टू बी लेफ्ट फ्रॉम द एंटायर पेपर पूरे पेपर में से आप फिर भी चार मार्क्स कहीं पर भी स्किप कर सकते हो सो बेटर इज नॉट टू डू प्रोज अकॉर्डिंग टू मी रेस्ट इज अप टू यू फाइन इट्स नॉट लाइक समथिंग की जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही करना है इट्स अप टू यू इट इज़ जस्ट द थिंग दैट आई एम शेयरिंग आर ऑफ माई एक्सपीरियंस फाइन स्टिल इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर साइड क्योंकि फर्स्ट टर्म तक आपने बहुत सारे चैप्टर्स पाँच या छः चैप्टर्स लर्न किए होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो वो चैप्टर्स आप एक या दो चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल पपा चीज मॉथ एंड एन एक्सलेंट फादर ईजी भी है एंड आपने ऑलरेडी किया होता है ये फर्स्ट टर्म तक सो इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर साइड दो चैप्टर्स आराम से कर सकते हो बाकी छः के छोड़ ही दो ठीक है सो दैट इज वट आई वॉन्टेड टू शेयर आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू प्रिपेयर इंग्लिश इन अ बेटर वे विदाउट गिविंग मच टाइम टू इट विदाउट लर्निंग क्वेश्चन you know uh, that important to be at to attempt in the paper so that was all that i had to discuss best of luck for your examination hope you found this uh, video you hope you'll find this video helpful and if you find the content helpful this video these tips and uh, tricks helpful do share subscribe to this channel and do press the bell icon as well to get the latest notifications for all the exam related things allah hafiz <laughs>